नमस्कार दोस्तों, प्रयास रसोई में आपका स्वागत है। तो आप जैसे कि जानते हैं कि पास्ता एक इटालियन डिश है, लेकिन हम बनाएंगे आज इसका एक इंडियन वर्जन, जो कि है पिंक सॉस पास्ता, जो हमारे टेस्ट के अनुकूल भी है और बनता भी बहुत अच्छा है। तो इस रेसिपी में सबसे पहले हमें करना है पास्ता बॉयल, तो जिसके लिए हमने पानी को बॉयल होने के लिए पहले ही रख दिया था। अभी टेस्ट के लिए उसमें मिला देंगे थोड़ा सा नमक और इसके साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा ऑयल। हम ले रहे हैं ऑलिव ऑयल, जो कि एक बड़े चम्मच के बराबर हम इसमें मिला देंगे। आप चाहें तो कोई भी तेल ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला तेल ना लें, इसलिए लोग ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं। और इसी में मिलाएंगे पास्ता। पास्ता हमने लिया है पेने पास्ता और इसकी क्वांटिटी है लगभग 250 ग्राम। तो बस इसको एक बार थोड़ा सा मिला देना है और फिर इसको बॉयल कर लेना है। तो जब तक ये बॉयल हो रहा है, हम नेक्स्ट काम की ओर जाते हैं। तो जब तक पास्ता बॉयल हो रहा है, हम जाएंगे अपनी सॉस की ओर। उसके लिए सबसे पहले हमें टोमेटोज ब्लांच करने हैं। तो ब्लांच करने के लिए टोमेटोज को ऐसे कट देना है, एक बार इधर से और दूसरी बार इधर से। बस इसी तरीके से अपने सभी टोमेटोस को कट दे लीजिए। हमने लिए हैं 5 टोमेटोस। तो टोमेटोस को ब्लांच करने के लिए भी हमने दूसरे पैन में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था और अभी कट लगाए हुए टोमेटोस इस पानी में शिफ्ट कर देंगे और इन्हें सिर्फ 1 मिनट के लिए इनमें बॉयल करना है, उससे ज्यादा नहीं। तो पास्ता को हमें बॉयल करना है 8 से 9 मिनट तक। इसमें एक टर्म इस्तेमाल होती है अल दांते, जिसका मतलब होता है कि बाइट तक, कि आप अपने दांतों से काटें तो आपको काटने का पता लगे। लेकिन इंडियन खाने में हम थोड़ा ज़्यादा पका हुआ पसंद करते हैं, तो पहले इसको उस स्टेज तक पकाएंगे और बाद में सॉस में। तो अपने टोमेटोस को हमने 1 मिनट तक के लिए बॉयल कर लिया है और अभी हम इसे शिफ्ट करेंगे यहाँ बर्फ वाले ठंडे पानी में। इससे होगा ये कि टोमेटोज को एक शॉक ट्रीटमेंट मिलता है, जिससे उनकी कुकिंग वहीं पे रुक जाएगी और इन्हें पील करने में, इनका छिलका उतारने में भी हमें आसानी होगी। तो कुछ देर के लिए इसमें डुबो देंगे और उसके बाद पील करके इसकी एक अच्छी प्यूरे बना लेंगे। तो अभी हमें अपने टोमेटोज को सिर्फ अच्छे से करना है पील। ये देखिए, ये आसानी से पील हो जाएंगे और पील करके इनकी एक अच्छे प्यूरी बना लेनी है, एक अच्छा पेस्ट तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से पील करके इनको बस हल्का काट लेना है और काट के इनको प्यूरे बनाने के लिए एक ब्लेंडर में डाल लेना है। तो फाइनली हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है एक अच्छे प्यूरे में। तो आप भी अपने टोमेटोस को ब्लांच करके ऐसे उसका एक अच्छा प्यूरे बना लीजिए। और फाइनली हमारा पास्ता भी एकदम से बॉयल होके तैयार हो गया है। इसको एक कट लगा के चेक कर लेते हैं। तो आप अगर नाइफ से ऐसे चेक करेंगे काट के, तो ये आसानी से कट जाएगा और उसका मतलब है कि ये तैयार है। और दूसरी बात ये कि पेने पास्ता किस लिए लिया जाता है, आप देख पाएंगे इसमें एक ट्यूब है, ऐसे अंदर शेद है। तो जब ये सॉस में जाएगा, सॉस इसके अंदर फिल हो जाएगी, तो खाने में बहुत मजा आएगा। और फाइनली आपने पानी को ड्रेन कर लेना है और पास्ता को एक अलग बाउल में निकाल लेना है। ध्यान दीजिए, ठंडा पानी इसके ऊपर डालने की कोई जरूरत नहीं, उससे इसका एक फ्लेवर जो है वो निकल जाता है। और प्यूरे के बाद अभी हमें बनानी है व्हाइट सॉस। तो पैन में हम लेंगे 2 टेबलस्पून के लगभग ऑलिव ऑयल और इसी में मिलाएंगे 2 टेबलस्पून के लगभग बटर। बटर और ऑलिव जब इकट्ठे आते हैं तो एक क्रीमीनेस आपकी डिश में ऑटोमेटिकली आ जाती है। और अभी इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देना है। अपने हाथ में विस्क रखें, क्योंकि अभी इसमें मैदा भी जाएगा तो फिर उसे रोस्ट करना आसान हो जाएगा। तो जैसे ही ऑयल और बटर थोड़ा सा गर्म होगा, तो हम उसमें मिला देंगे 2.5 से 3 टेबलस्पून के लगभग मैदा। और अभी आपको लो मीडियम फ्लेम पे इसको लगातार चलाते हुए पकाना है। ध्यान रखें इसका कलर नहीं बदलना, बस इसको पका लेना है।
बस रुकना नहीं है, आपने लगातार अपने विस्क को चलाते जाना है और वेट करनी है बबल्स के आने की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बबल्स आने शुरू हो गए हैं, तो इससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी स्टेज पे हम इसमें मिलाएंगे 2.5 कप के करीब दूध। ध्यान रखिए, कोशिश करें दूध फ्रिज में से ठंडा लें, क्योंकि दूध जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतने लम्प्स कम पड़ेंगे, गर्म होगा तो लम्प्स बनेंगे। अभी इसे लगातार फिर से आपको इसे चलाते जाना है और हमें इसे 4 से 5 मिनट तक पका लेना है। तो आप देखेंगे कि लगभग 4 मिनट में ही ये एक थिक क्रीमी सॉस जो है वो बनती चली जाएगी। अभी इससे ज़्यादा हमें इसे और नहीं पकाना, लेकिन इसमें एक अच्छा टेस्ट लाने के लिए हमें इसमें थोड़ी सीजनिंग करनी पड़ेगी। तो टेस्ट के लिए हम इसमें मिलाएंगे 1/2 टीस्पून के लगभग नमक, और इसी के साथ एक इसको अच्छा सा टेस्ट देने के लिए 1/2 टीस्पून काली मिर्च। इसको विस्क से बस थोड़ा सा चला दें, और इसके साथ ही इसको और क्रीमी करने के लिए हम इसमें मिलाएंगे 2 चीज़ स्लाइस। तो चीज़ स्लाइस को आपको इसमें ऐसे ही डाल देना है। अभी भी सॉस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आपको फ्लेम ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको अभी ही इसके साथ ही अच्छे से विस्क कर देना है, और ये देखते ही देखते मेल्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि देखते ही देखते चीज स्लाइस जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो गए हैं, मेल्ट हो गए हैं, और एक अच्छा क्रीमी सॉस जो है वो बनके तैयार हो गया है। बस इससे ज़्यादा इसको थिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि विस्क को ये अच्छे से कोट भी हो रहा है और अच्छे से बह भी रहा है, बस इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है। तो अभी इसे साइड पे करेंगे और शुरू करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो सॉस बनाने के लिए फिर से पैन में हमने ले लिया है 2 टेबलस्पून के करीब बटर, इसी में जाएगा 1.5 टेबलस्पून के करीब ऑलिव ऑयल। इसको हल्का सा मेल्ट होने देंगे। तो जैसे ही ऑयल और बटर थोड़ा सा गर्म हो जाए, तो हम इसमें मिलाएंगे 2 मीडियम साइज अनियन। इनको आपने बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है और इनको हल्का सा पका लेना है, कलर नहीं बदलना है, बस पका लेना है जिससे कि एक मिठास आ जाए। तो जैसे ही अनियन थोड़ा सा कलर बदलने लगे, तो उसके साथ ही हम इसमें मिलाएंगे 2 टेबलस्पून के लगभग जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का पेस्ट। इसको अच्छे से पका लेना है, बस 1 मिनट लगेगा और ये पक जाएगा। तो जैसे ही जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का पेस्ट थोड़ा पक जाए, तो हम इसमें मिलाएंगे अपनी वेजिस, और वेजिस में हम जैसे मिलाएंगे 1 रेड कैप्सिकम, 1 येलो कैप्सिकम और 1.5 के करीब ग्रीन कैप्सिकम, और इसी के साथ हम इसमें मिलाएंगे थोड़ी सी स्वीट कॉर्न, बस इतनी, इससे ज़्यादा नहीं। और अभी हमें इसको अच्छे से कुक कर लेना है। ध्यान रखिए वेजीज को बिल्कुल थोड़ा पकाना है, जिससे कि उनका क्रंच भी बना रहे, उनका कलर भी बना रहे, क्योंकि जब हम पास्ता बनाते हैं तो उसमें वेजीज का वाइट आना बहुत ज़रूरी है। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे, बस उतना ही पकाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो जब तक हमारी वेजीज पक रही हैं, तो टेस्ट के लिए इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा नमक। ध्यान रखिए नमक पहले भी 2 बार जा चुका है, तो उसी के अनुसार अपना नमक बैलेंस कीजिए। इसी के साथ जाएंगे 1/2 टीस्पून के लगभग चिली फ्लेक्स, और साथ ही जाएगा 1/2 टीस्पून काली मिर्च। ध्यान रखिए काली मिर्च भी पहले हम वाइट सॉस में मिला चुके हैं, और इसी के साथ इसमें खुशबू के लिए और अच्छे टेस्ट के लिए हम मिलाएंगे 1 टीस्पून के लगभग ओरेगानो। तो अभी करना यह है कि इसको सबको अच्छे से मिला देना है और 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। तो इसके साथ ही हमारी वेजीज भी थोड़ी कुक हो जाएंगी। तो वेजीज जो हैं वो हमारी लगभग होने को तैयार हैं। तो इसी के साथ हम इसमें मिलाएंगे एक अच्छे टैंगी टेस्ट के लिए थोड़ी सी केचप, और साथ ही हमने टोमेटोज को ब्लांच करके जो प्यूरे बनाया था अभी वो इसमें जाएगा। तो अभी हमें वेजीज को इस टोमेटो के प्यूरे के साथ साथ अच्छे से कुक कर लेना। तो आप देख सकते हैं कि हमारी टोमेटो प्यूरे भी अच्छे से पक गई है।
तो टोमेटोज का ये जो एक जूसी लिक्विड निकला है, इसे देख के घबराइए मत, क्योंकि जब हम इसे व्हाइट सॉस में मिलाएंगे तो ये उसकी कंसिस्टेंसी को बिल्कुल सेट कर देगा और जिससे वो पेने पास्ता के अंदर भी अच्छे तरीके से पेनिट्रेट होगा। तो अभी हमें इसे ट्रांसफर करना है व्हाइट सॉस में। तो चलिए अभी इसे हम शिफ्ट करते हैं व्हाइट सॉस में और अभी दोनों को अच्छे से मिला के बस हल्के से एक बॉयल पे लेके आना है। तो दोस्तों 2 मिनट में ही हमारी व्हाइट सॉस और रेड ग्रेवी दोनों और वेजीज अच्छे से ब्लेंड हो गई हैं और देख सकते हैं एक अच्छा कलर और एक बिल्कुल अच्छा क्रीमी स्ट्रक्चर आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे स्पातुला को जो सॉस है वो अच्छे से कोट हो रही है। तो अभी फाइनली जाएगा हमारा बॉयल किया हुआ पास्ता। और अभी बस इसे अच्छे से मिला देना है और लगभग 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। तो लीजिए दोस्तों, एकदम से टेस्टी क्रीमी बटरी पिंक सॉस पास्ता बनके तैयार है और अभी इसे हम करेंगे सर्व। तो लीजिए दोस्तों, पिंक सॉस पास्ता एकदम से क्रीमी बनके तैयार हुआ है। उम्मीद है आप अपने घर में भी इसे ट्राई करेंगे, औरों को भी खिलाएंगे और आपको पसंद भी आएगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो बनाएं भी और हमें सब्सक्राइब भी जरूर करें।